लेकिन उसके साथ साथ हमको एक जगह पे बंद करके ना रहना, हमको एक विषय से बंद के ना रहना, हमें एक बड़े व्यापक तरीके से समाज में नए विषयों को खड़ा करना है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हिंदुस्तान में जिन क्षेत्रों ने बहुत तेजी से और जिन शहरों ने बहुत तेजी से विकास किया है, उसमें हमारा गुड़गांव का क्षेत्र है और उसका प्रभाव रेवाड़ी, धारवाड़ा और रेवाड़ी का है। आप लोगों को कुछ चीजों पर बड़ा गर्व करना चाहिए। महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर गांव में गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति दुनिया में योग की क्रांति लाकर के न्यूयॉर्क में जाके अगर अपना शेयर मार्केट में अपने शेयर के लिए घंटी बजा सकता है तो रामदेव जी विकास के हमारे सबसे बड़े काम। जो हमारी शिक्षा पद्धति का कमर्शलाइजेशन है, हम बच्चे को भी एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसका व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहते। प्रोडक्ट और व्यक्तित्व में अंतर होता है। हम अपने यहाँ रामायण और महाभारत को इतिहास मानते हैं, ऐसे विषयों को चुन चुन करके तोड़ने का प्रयास हमारा शासन नहीं रहा। जिनका शासन रहा उन्होंने कभी समाज की बात को माना नहीं, समाज संघर्ष करने की भावना को कभी छोड़ नहीं पाया। आने वाले 25 साल ये भारत के अमृत काल है। इस समय हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव 11 फरवरी को रेवाड़ी में थे। अवसर था यादव कल्याण सभा रेवाड़ी की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह का और श्री कृष्ण भवन के उद्घाटन का। भूपेंद्र सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में पहुंचे थे। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कांग्रेस व अन्य गैर भाजपाई दलों के स्थानीय नेताओं को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन मंच पर दिग्गज भाजपा नेताओं की मौजूदगी के कारण उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। उन नेताओं ने भी भूपेंद्र यादव के कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा, जिन्हें भाजपाई होते हुए भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का सिपहसालार माना जाता है। यह कार्यक्रम सामाजिक अवश्य था, मगर समय और परिस्थितियाँ ऐसी रही कि इस कार्यक्रम में न चाहते हुए भी हमें राजनीति तलाश करनी पड़ रही है। राजनीति हुई है, इसलिए राजनीति की बात करना भी जरूरी हो गया है। लेकिन राजनीतिक एंगल समझने से पहले मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव के भाषण को गौर से सुनना ही नहीं, समझना भी होगा और इस बात की गहराई में भी जाना होगा कि यादव कल्याण सभा के सभागार के लिए 4 करोड़ रुपए के एस्टिमेट वाले प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में उन्होंने आखिर इतनी दरियादिली दिखाई क्यों। यादव कल्याण सभा को इन दिनों धन की बेहद ज़रूरत थी। राव इंद्रजीत अपने सांसद कोष से इतना दे चुके थे कि अब और देना शायद उनके लिए संभव नहीं था। इस समय सभा को किसी ऐसे यादव नेता की तलाश थी जो उनकी मुँह मांगी मुराद पूरी कर दे। भूपेंद्र यादव के रूप में उनकी यह मुराद पूरी हो गई। राव नरवीर सिंह ने तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान यादव कल्याण सभा को पूरा जोटा खुद भी मारा था और दूसरों से भी मदद दिलवाई थी, लेकिन भूपेंद्र यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। यह कहें तो अधिक उचित रहेगा कि भूपेंद्र यादव ने पूरी महफिल लूट ली। एक बार मंच पर आकर ही मैन ऑफ द सीरीज हो गए। यादव सभा के मंच से जब सभागार के लिए 4 करोड़ रुपयों का एस्टिमेट बताया गया तो भीड़ को यह उम्मीद थी कि शायद 50 लाख रुपयों तक की मदद भूपेंद्र यादव से मिल जाएगी, लेकिन भूपेंद्र यादव ने मांग सामने आने पर एक ऐसा दानदाता मंच पर खड़ा कर दिया जिसने 4 करोड़ रुपये के पूरे प्रोजेक्ट पर ही मोहर लगा दी। यह दानदाता डहीना के दीपक यादव हैं, जिनका बिहार में अपना उद्योग है। भूपेंद्र यादव ने जब दीपक यादव से अपनी जन्मभूमि हरियाणा के लिए कुछ करने का आग्रह किया तो उन्होंने खजाना खोल दिया। इसके साथ ही यादव कल्याण सभा का पूरा हाल भूपेंद्र यादव की दरियादिली के सामने नतमस्तक नजर आया। भूपेंद्र जो पाना चाहते थे वह पा लिया। यह आम धारणा है कि वह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। निश्चित है यहाँ की हवा का झोंका वहाँ तक भी जाएगा। गुरुग्राम लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के गांव में रोटी बेटी का रिश्ता है, बेहद करीबी रिश्ता है, आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। यहाँ तक की बात ही क्यों करें, किसी सामाजिक संस्था को 4 करोड़ की सहायता दिलवाने की भूपेंद्र की दरियादिली की बात तो रेवाड़ी से निकलकर पूरे अहिरवाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश के यादव समाज तक जाएगी और भूपेंद्र यादव की यादव समाज के बीच स्वीकार्यता बढ़ाएगी। भूपेंद्र यही तो चाहते थे, 100 सुनार की और 1 लुहार की। लुहार ने अपना काम कर दिया।
यादव कल्याण सभा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव का आना यह भी बताता है कि राव इंद्रजीत के प्रभाव वाली अहिरवाल बेल्ट में भूपेंद्र धीरे धीरे सेंध लगा रहे हैं। उन्होंने सीधे राव इंद्रजीत सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह कहना कि एक दो व्यक्तियों के पीछे चलना ठीक नहीं, एक जगह बंद कर रहना ठीक नहीं, बहुत मायने रखता है। इसे द्विअर्थी संवाद भी कह सकते हैं। भूपेंद्र चाहते थे कि जमाने के साथ अहिरवाल का राजनीतिक मिजाज भी बदले। यादव समाज के लोग उनकी कूटनीतिक भाषा कितना समझ पाए यह तो समय बताएगा, लेकिन प्रबुद्ध लोग भूपेंद्र यादव का इशारा बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वह पार्टी की मर्यादा में रहकर जो कुछ कह सकते थे वह कह गए, कम शब्दों में बड़ी बात। आइए पहले भूपेंद्र यादव का भाषण का सार समझते हैं। बाबा रामदेव और अहिर रेजिमेंट को लेकर नारेबाजी के बीच कही गई उनकी बातें सुनते हैं। आप ये मान के चलना कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हिंदुस्तान में जिन क्षेत्रों ने बहुत तेजी से और जिन शहरों ने बहुत तेजी से विकास किया है, उसमें हमारा गुड़गांव का क्षेत्र है और उसका प्रभाव रेवाड़ी, धारवाड़ा, रेवाड़ी। हम एक ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहां पर यह माना जाता है कि भारत में और भारत के द्वारा दुनिया में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं, तो वो विकास की संभावनाएं इन क्षेत्रों में। आपने मान के चलना कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 10 साल पहले वो सरकार में आए थे तो हिंदुस्तान को कहा जाता था कि हिंदुस्तान दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में है, और आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था। आप लोगों को कुछ चीजों पर बड़ा गर्व करना है। महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर गांव में गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति दुनिया में योग की क्रांति ला करके न्यूयॉर्क में जाके अगर अपना शेयर मार्केट में अपने शेयर के लिए घंटी बजा सकता है तो रामदेव जी विकास के हमारे सबसे बड़े काम। आप कल्पना करें, हमारी पीढ़ियों ने कभी शेयर नहीं देखे होते क्या, और इतनी बड़ी क्षमता कोई बहुत बड़ा आईआईएम और आईआईटी से शिक्षा लेकर के नहीं, लेकिन अपनी एकाग्रता से, अपनी योग से, अपने कौशल से, अपने धैर्य से पूरे भारत में जो एक नया उदाहरण स्थापित किया है, मुझे लगता है इस इलाके के हर नौजवान को ऐसा उद्यमी बनने की प्रेरणा है। जो हमारी शिक्षा पद्धति का कमर्शलाइजेशन है, हम बच्चे को भी एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसका व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहते। प्रोडक्ट और व्यक्तित्व में अंतर होता है। प्रोडक्ट बनकर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का पैकेज पालो। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। ये प्रोडक्ट पढ़ के अपनी जमीन से कटने का काम हम कर सकते हैं। हमको केवल बच्चों को प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें उन्हें पर्सनैलिटी बनाना है, व्यक्तित्व बनाना है, इस अंतर को समझने का काम करना है। और ये जो व्यक्तित्व बन सकता है, ये अहिरवाल में अगर हम वापस से गीता के स्वाध्याय को शुरू करेंगे तभी योगेश्वर कृष्ण के इस भवन से हम नई परंपरा का सूत्रपात कर सकते हैं, जिसके लिए बाहर के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए कोई नारे की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए सीधे अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता। रणवीर सिंह कह रहे थे प्लास्टिक के विषय को लेकर, पर्यावरण एक बड़ा विषय है और इसलिए बहुत सारे विषय हैं। आप लोगों ने भी मुझे ज्ञापन दिया तो उस पर विचार करेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको एक जगह पे बंद करके ना रहना, हमको एक विषय से बंद के ना रहना, हमें एक बड़े व्यापक तरीके से समाज में नए विषयों को खड़ा करना है। खेल बहुत बड़ी चुनौती है, दुनिया के उद्योग बहुत बड़ी चुनौती है, डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चुनौती है, लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी आना बहुत बड़ी चुनौती है, चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ना बड़ी चुनौती है,
और हम हमेशा आपके मान करके चलना, क्या मैं तो बहुत ज्यादा गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ, क्यों हजारों साल लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं? क्योंकि गोवर्धन में श्री कृष्ण ने समाज के सभी वर्गों को अपना आश्रय दिया। हम जब आगे काम करने के लिए निकलते हैं तो ताकत अपने समाज की मिलती है, लेकिन हम आश्रय समाज के सभी वर्गों को, सबके लिए गोवर्धन खाने का काम किया, इसलिए आश्रय की करते हैं। हम अपने यहाँ रामायण और महाभारत को इतिहास मानते हैं, ऐसे विषयों को चुन चुन करके तोड़ने का प्रयास किया। हमारा शासन नहीं रहा, जिनका शासन रहा उन्होंने कभी समाज की बात को माना नहीं, समाज संघर्ष करने की भावना को कभी छोड़ नहीं पाया। आने वाले 25 साल ये भारत के अमृत काल है। इस समय हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, यहां पर हम सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। विकसित भारत होने में किसी को असंतोष होना ही नहीं चाहिए। विकसित भारत आप राज में आके करो, हम राज में आके करें, तीसरा आदमी आके राज में करे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विकसित भारत का संकल्प पूरा कैसे करें? और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत में हमारा समाज कैसे हो, विकसित भारत के उद्योगों में हम कहां हो, विकसित भारत की शिक्षा में हम कहां हो, विकसित भारत की बढ़ती हुई महिलाओं में हम कहां पर हो, ये बहुत बड़े आयाम है। आपका समाज छोटा है, आयाम बड़े हैं, इतने बड़े आयाम है कि हम कितनी तरक्की करना चाहें उतनी तरक्की कर सकते। आपने भूपेंद्र यादव की बातें सुनी, अब बात करते हैं 11 फरवरी को ही यादव कल्याण समारोह से थोड़ी दूर चल रहे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के जन्मदिन समारोह की। वर्षों बाद जन्मदिन का आयोजन रेवाड़ी में हुआ था, इसलिए रामपुरा की ओर जाने वाली सड़कें होर्डिंग्स बैनर से अटी पड़ी थी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव राव को शुभकामनाएं देने रामपुरा पहुँचते हैं। लक्ष्मण को यादव सभा का न्योता मिला हुआ था, लेकिन वह यादव सभा के कार्यक्रम से दूर रहते हैं। लक्ष्मण के यादव सभा के कार्यक्रम में न आने को थोड़ा सा राजनीतिक एंगल से देखें तो आज एक लक्ष्मण रेखा स्पष्ट नजर आई। इस पार और उस पार जिनकी राव से पटरी नहीं बैठती, वह अधिकांश भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के कार्यक्रम में मौजूद थे, और जिन्हें चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद की जरूरत है, उन सभी नेताओं ने रामपुरा का रुख किया हुआ था। नारनौल से राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी रामपुरा पहुँचे हुए थे। आज एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि यादव सभा के उस कार्यक्रम से यादव नेता राव इंद्रजीत सिंह क्यों दूर थे, उनके नाम को निमंत्रण पत्र पर भी जगह क्यों नहीं दी गई, क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था या वह आना ही नहीं चाहते थे। इसका सटीक जवाब है, बुलाने वालों के मन में ही खोट था। बुलाने वाले बेमन से राव के पास गए अवश्य थे, लेकिन राव बेमन के ऐसे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते जहाँ उन्हें अपने ही गढ़ में आयोजित किसी समारोह में दूसरे दर्जे की भूमिका में रहना हो। सुनने में आ रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने आयोजकों को सिरे से मना कर दिया था। भूपेंद्र यादव ने केंद्र व राज्य सरकार की बड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया और पिछले 9 वर्षों में आए बदलाव का। भूपेंद्र ने किस अंदाज में अहिर रेजिमेंट का जवाब दिया, ये आपने सुन ही लिया होगा। उन्होंने गेंद समाज के पाले में डाल दी है, समाज चाहेगा तो वह भी इस आवाज़ के साथ अपने सुर मिला देंगे। भूपेंद्र यादव ने बाबा रामदेव का उदाहरण देकर लोगों को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया, उनका गौरव गान किया, यादव समाज की उन प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं। एक खास बात और, राव इंद्रजीत सिंह से उनके कार्यक्रम में कुछ पत्रकारों ने भूपेंद्र यादव के चुनाव लड़ने पर सवाल भी किया। राव ने इसका बिना आपा खोए सामान्य ढंग से जवाब दिया। राव ने कहा कि राज्यसभा से मेंबर पार्लियामेंट बनकर जो लोग केंद्र में बड़े मंत्री बने हुए हैं, उन्हें चुनाव लड़वाने का फैसला भाजपा का नीतिगत फैसला है। संदेश स्पष्ट था, आप अपनी राह पर आगे बढ़िए, मैं अपनी राह पर आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप गुरुग्राम के अलावा अपना कोई नया ठिकाना तलाश करते हैं तो संभव है राव इंद्रजीत समय आने पर आपके मीत बन जाए। हमारा मत स्पष्ट है, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, एक स्थान पर दो दिग्गज एक सुर मिलाकर राजनीति नहीं कर सकते। हाँ, ताकत पर शेर अपनी नई टेरिटरी बना ही लेते हैं। भूपेंद्र यादव के पास आज ताकत है, गुरुग्राम को छोड़कर वह जहाँ जाएंगे वहाँ पर सजातीय बंधुओं के साथ ही मोदी सेना को भी पलक पावड़े बिछाते हुए पाएंगे। उनकी नई टेरिटरी बनने की संभावनाएं प्रबल है। आज इतना ही, हमारी समीक्षा आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।
Thank you.